नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और माँ दुर्गा अब पधार चुकी हैं हमारे बीच। और बता दें कि माँ दुर्गा की शक्ति की ये 9 दिन जो है वो पूजा की जाती है, अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा की सभी लोग अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं और भक्ति के माहौल में लीन हो जाते हैं। तो इसी का एक नज़ारा आप देख सकते हैं मेरे सामने। अभी हम लोग मौजूद हैं पटना के नौलखा मंदिर में, जहाँ पर नागेश्वर बाबा जो हैं वो कई सालों से अपने सीने पर कलश रखते हैं और भूखे प्यासे रह करके देवी माँ की उपासना करते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। बाबा, कितने सालों से आप इस तरीके से देवी माँ की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं? पिछले 26 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ। इस बार 26वां वर्ष है। नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास। मेरा उपदेश है, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, पूरे देश को कल्याण हो। इस बार माँ चैली पुत्री की पूजा आज से शुरू हो गई है। बड़ी खुशी उत्साह और धूमधाम से लोग कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ। इस बार माँ हाथी पर आई है, हाथी पर जाएगी। इस बार मान बोली है, हर एक भक्तों की झोली मैं खुशी और उत्साह से भर दूंगा, कोई खाली नहीं रहेगा। कोई मंदिर में कर रहा है, कोई घर में कर रहा है, कोई कहीं ही पूजा करे वो खुशियों से भर जाएंगे। जय माता जी, श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास। ये कितने कलश बाबा आपने अपने सीने पर रखे? 21 कलश मैं अपने सीने पर रखे हुए हूँ। एक कलश से शुरू किए थे, आज 21 कलश है। और सारा माँ की चरणों से उपदेश मिला है। भक्त के ही नाम से भगवान की जाना जाता है। कहें ही शक्ति पीठ है, तुम्हारा भक्त ही उजागर किया है। मैं ही यहाँ माँ की भक्त हूँ, माँ की उजागर कर रहे हैं। भक्ति का नज़ारा देख सकते हैं कि भक्ति का क्या नज़ारा है। 21 कलश जो है वो अपने सीने पर नागेश्वर बाबा रखे हुए हैं और माता की भक्ति में लीन है। और आज से नवरात्रि का जो पर्व है वो शुरू हो चुका है। आज से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। अलग अलग दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होगी और नागेश्वर बाबा किस तरीके से अपने सीने पर 21 कलश रखते हैं। 26 सालों से ये अपने सीने पर कलश रखते हैं और माँ की भक्ति में लीन रहते हैं। माता रानी के संस्थापक भी हैं, उनसे भी बात करने की एक बार कोशिश करते हैं। चलिए, मंदिर के संस्थापक भी मौजूद हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो भी माता की भक्ति में लीन है, पाठ कर रहे हैं, लेकिन पूरी बात कोशिश करनी है उनसे। नहीं आएगी। जब भक्ति में हम लोग लीन होंगे तब माता अपने भक्तों को, अपने पुत्रों को स्वयं हाथ में तुरंती में गोद में उठा लेती है और कोई कष्ट नहीं होने देती है। देखिए, पिछले कोरोना काल में भी यहाँ हम लोग पूजा पाठ किए थे, उस वक्त भी काफ़ी भीड़ थी, अब और ज़्यादा भीड़ होगी। और उस वक्त भी हमारे बाबा और हम लोगों ने कामना किया था कि माता इस देश में, इस राज्य में कोरोना काल से भक्त लोग त्राही त्राही हो रहे, पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही है, इसको तुम समाप्त करने का काम करो। देखिए, माता ने आखिर के समाप्त कर दिया। आज भक्त अमन चैन से लेकर आज पहली पूजा से ही लोग निकल गए हैं और माता का दर्शन कर रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। इस मंदिर में बिहार के कोने कोने से भक्तगण आते हैं। इनको ठहरने की भी व्यवस्था करना पड़ता है, खाने पीने का भी व्यवस्था करना पड़ता है,
प्रथम दिन से ही प्रसाद लोगों को भक्तों को देने का काम होता है और दसवीं तक लगातार प्रसाद चलते रहता है और डेली यहाँ भजन कीर्तन माता बहने आके करती है और माता के भक्तों में मिली रहती है। जब माता का आशीर्वाद आएगा भक्ति में जब लीन हो जाता है तो माता अपने भक्तों को बेड़ा पार करने का काम करती हैं। जब भक्त हठ पर पहुंच जाती है तो माता अपने देखते हैं कि अब मेरा पुत्र मानने को नहीं है, इसको बेड़ा पार लगाने का काम करो, इसको शक्ति देने का काम करो। माता के ही शक्ति से नगेश्वर बाबा का 9 दिन पार लगता है अन्न जल नित्य क्रिया त्याग कर। हम लोग 1 दिन भूखे रहते हैं तो हम लोग को त्राही त्राही मच जाता है, लेकिन माता के आशीर्वाद से 9 दिनों तक ले बिना जल का, बिना अन्न का, बिना नित्य क्रिया का ये रह जाते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंदिर के संस्थापक से भी हमने बातचीत की और आज से नवरात्रि का पावन त्योहार जो है वो शुरू हो गया है। आज से माता रानी की 9 दिन तक पूजा होती रहेगी, 9 रूपों की पूजा होगी और ये मंदिर जो है नौलखा मंदिर ये कहीं ना कहीं जागृत मंदिर है। और सबसे खास बात इस मंदिर की ये है कि हर साल 26 वर्षों से नागेश्वर बाबा जो है वो अपने सीने पर कलश रखते हैं और भूखे प्यासे रहते हैं और भूखे प्यासे नवरात्रि से पहले भी रहते हैं, ये सबसे बड़ी खास बात है। सालों से यहाँ पर पूजा की जा रही है, हम 16 बरस से देखते आ रहे हैं। हमारे मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं डॉक्टर विजय कुमार यादव जी, वो कह रहे हैं कि हम 40 वर्ष से और हम जब से हैं तब से हम देख रहे हैं इनको कलश लेते हुए और आज हमारी माता रानी सलपुत्री माता रानी का पूजा जी। नौलखा माँ कहती है कि हम ही दुनिया के दुख दूर करते हैं, हम ही दुनिया को शक्ति देते हैं, हम ही कहते हैं तो कोई खाना खाता है, हम ही कहते हैं तो कोई पानी पीता है जी। आज उसी शक्ति का पूजा है। प्रथम सलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेती, ग्रीष्म मांडेती चतुर्कर्म, पंचम संत माती सी, अष्ट कात्यानी च, सत्यम काल रात्रि महागौरी, अष्टम नवम श्रीधिदात्री च, नव दुर्गा प्रतीक। आज जगत जननी माँ का पूजा है और उसी जगत जननी माँ की आशीर्वाद से बाबा नागेश्वर अपने सीने पे किस कलश लेते हैं प्रत्येक वर्ष और सभी कलश में जल गंगा जल भरा रहता है और ये 3 बजे भोर में ही गंगा जी भराते हैं क्योंकि हम लोग जाते हैं गंगा स्नान करने, वहाँ से स्नान करने के आते हैं इसके बाद ही यहाँ पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है। और माता रानी से आप जो कुछ मन में मांग के जाइए तुरंत माँ मुराद पूरा करती है, ये हमारी माँ की शक्ति है। हमने जब जब इनकी शक्ति की परीक्षा ली माता ने हमको दिखाई है शक्ति और आज हम धन्य हैं कि हम ऐसे नौलखा माँ के चरण कमल में पुजारी बन के माता रानी के सेवा में रहते हैं, हमसे बड़ा भाग्यवान कोई है ही नहीं। जय माता जी। नौलखा दुर्गा मंदिर, न्यू सचिवालय पटना। माँ सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। देशो न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।